जो है ना अब्बू की आपने अच्छे से तैयारी करा कर लानी है। अब्बू को बस एक ही सूट लेना है, वो उनकी कोई पसंद का है, तो मैं अभी बस पैसे निकाल के बैग से आई थी, बाहर सब खड़े हुए तो भी जा रहे हैं। अब्बू को मैं दे दूँ पैसे? मैं दूंगी, मैं खुद दूंगी ना अपने हाथों से, मुझे ज्यादा खुशी होती है। चलो ठीक है अब्बू, अगर पैसे कम होंगे तो साजिद साथ में है। अभी ये दोनों जा रहे हैं, बारात भी आने वाली है, जल्दी आइएगा। फिर हमारा तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि लेडीज हैं, फिर भी बारात में होना जरूरी है आपका, जल्दी कोशिश करना कि अब्बू को जल्दी सूट दिलाकर टेलर को दे के आना। हमारी फिल्म का हीरो भी देखो आ गया है, कैसे हो वकार? बारात लेकर आओ, क्या कर रहे अभी तक यहाँ पर? सबर करे आ रहे हैं। इतना ज्यादा लोग परेशान हो गए कि वो वकार था, उमर था, कौन था जो सीवीओ पे शूट किए मैंने फिल्म में, अभी तो किसी को नहीं पता। बस ये सरप्राइज है। तो फिल्म का हीरो एक ये बना हुआ, एक फारूक भाई का बेटा बना हुआ, उमर बना, अब देखते हैं कि ना कौन सा हीरो निकलता है एंड में। चलो ठीक है, अभी बारात, अभी ये देखो ये बच्चों के साथ बॉल खेल रहे, बारात कब आएगी? तैयारी करें, बारात आने वाली है। बुलाने आई थी वो, अब्बू को पैसे देने गई थी मैंने, को उनको सामान लेना है ना, जा रहे हैं अभी ये दोनों। चलो आ जाओ, चले। अभी मैं और अम्मी तैयार होते हैं, बच्चों को मैंने कपड़े निकाल लिए, बच्चे भी मतलब मुस्तफा और तैयबा तैयार हो रहे हैं, अम्मी और अपने निकालते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। पर शाम का टाइम हो गया, सब देखो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। पहले हम कौसर के रूम में चलते हैं, यहाँ पे कौन कौन तैयार हो रहा है। माओ ने तैयार होना है, तो यहाँ पर तो रौनक लगाई हुई है। कौसर ने अपने कमरे में सारी लड़कियों को इधर ही जमा कर लिया है अपने साथ। सूट प्यारा लग रहा है बिल्कुल मायू मेहंदी के हिसाब से, ये शायद मायू मेहंदी वाला है ना तुम्हारा? हाँ, इसका ये अपना मायू मेहंदी वाला प्यारा लग रहा है। यहाँ पर तैयबा लड़कियां सारी, ये तो खैर हमारी नहीं आती सामने कैमरे पे, ये एक साइड पे सर झुका के खड़ी हो गई है। चलो ये तैयारी कर रही है, अभी मैं दूसरी साइड पे अम्मी को दिखाती हूँ। क्या हाल है मनूर, आप तैयार नहीं? आप नेट पे आ गई हैं मनु, आप तो चाचू आ गए, आप कुछ कर सकते हैं? इनका बेटा खुद ब्लॉगर है, वो यूट्यूब ये उनके उस पर आती है, हमारे उस पर नहीं आती। आप देखिए ना, इंसाफी हुई मामी, आपको सबका हिस्सा जो है ना बराबर है। अम्मी बारात आ गई, बारात आ गई अम्मी, अम्मी तो तैयार भी हो गई। अम्मी अभी तक मैं तैयार नहीं, अम्मी आप पे बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। जल्दी से आप थोड़ा बहुत मेकअप जो भी करें, और ये रहे कपड़े आयत के आयत, अभी तक हमारी सो रही है, और ये रहा मेरा सूट जो मैंने अभी पहनना है। तो मैं जल्दी पहनकर फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, बाहर ढोल की आवाजें जो है ना शुरू हो गई है। ओ चाचू बारात होगी, आप इधर ही बैठे हुए अभी तक? बारात चली जाएगी, उसके बाद ही हम तैयार होंगे। ओए मेरी रिंग 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 फंस रही है, एक मिनट रिंग निकालने दो, निकाल निकालो। दो सर ने सही किया, टाइम पर तैयार हो गई है। बस पहना दो, जो जल्दी से पहनाओ, टूटती है टूटने जोर से को सर पहना दो। अल्लाह बारात आज जा रही है, कर दिया हमने। बस दो चार आ जाए बस वही काफी है, बस दो ही आ गई, दो ग्रीन कलर में आ जाए। ये कौसर का मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है, मैं सारी जिंदगी नहीं बोलूंगी। चलो बस, हाँ बस इसमें नहीं आएंगी, ये ज्यादा मोटा है बस। ये मेरा सूट है, ये मेरी कुछ इस तरीके से तैयारी हुई है। लाइट यहाँ पर जा चुकी है, बारात बाहर आई हुई है, अब क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, चलो जनरेटर ऑन कर देते। तो यही कुछ है, ये गाँव की शादियाँ होती है। लड़कियाँ तो बहुत प्यारी लग रही है, सारी बहुत खूबसूरत लग रही है। आज आपकी
बारी आ गई, पहले भी थोड़ी बांट के लिए, दूसरा टोकरा मिठाई का हम बांटने लगे हैं। पूरी बारह अंधेर है ना, अभी जनरेटर ऑन कर रहे हैं, जनरेटर ऑन हो जाएगा थोड़ी रोशनी। सबसे पहले चाची को देते हैं, चाची अपनी मर्जी का मनपसंद लड्डू खाइएगा। शायद ये वो दोबारा नहीं उठाएगा, दोबारा हकदार नहीं है। तो अब दूसरा हाथ दूल्हे की अम्मा का है। मम्मी कहाँ चली गई? लड्डू चार बच्चे, ये तो टूट पड़े, टोकरा इधर ही खत्म हो जाएगा, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। उठा लो सरना को ये वाला हिस्सा मिला, देखो मेरा, देखो कितना ज्यादा मीठा है, शीरा नीचे गिर रहा है, बहुत ज्यादा मीठी है। ये शादी वाले मोमेंट हम याद करेंगे। पटाखे बज रहे हैं, ख्याल करना ना। अम्मी को मिली है मिठाई, चलो मेरी किस्मत में आज दो लड्डू आ गए। ये जो है ना दूसरा लड्डू मेरी किस्मत में आ गया, एक मैंने पहले खाई, ये वाला ज्यादा मजे का। तो मैं पहले बता रही हूँ, मेरे मेकअप पे तो कोई भी नाम मत रखे, मैंने बहुत जल्दी में 5 मिनट से भी पहले जल्दी जल्दी फाउंडेशन लगा के और लिपस्टिक लगा के मैं बाहर निकली हूँ। ये मैंने जल्दी में तैयारी की है कि आज बहुत ज़्यादा एक काम थी, इस वजह से मैं बहुत लेट हो गई, कल इंशाल्लाह सही से तैयार होंगी। मिठाई खाई? हाँ। खा ली? मुझे पता, दो दो लड्डू मिले हैं। हाँ? मुझे दो लड्डू मिले, मेरे भी दो मिले थे। दो मिले? हाँ। सबको दो दो मिले हैं। स्टिक में दो दो है मेरे ख्याल से। नहीं, अम्मी ने मेरे लिए बचा के रखा हुआ था। अच्छा। मैंने अपना हिस्सा ले लिया, अम्मी ने एक और मेरे लिए रखा हुआ था। एक और लड्डू मेरे सामने, अब ये और मिल गया, तीसरा लड्डू खाया इसने। ये दुल्हन की मत, मेरा फेस रिवील कर रही हूँ मैं आज, बस करो, बहुत लड्डू खाए, बहुत लड्डू खाए। यहाँ पर मिठाई की बरसात हो रही है। अरे वाह, ये असली टैलेंट है। ये दूल्हे की अम्मा, ये दुल्हन की अम्मा, कंपटीशन है। चलो शुरू हो जा, ये लड्डू खिला दो अम्मी। हमारी दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, हंस लो थोड़ा सा और ज्यादा प्यारी लगोगी। बूट भी प्यारा लग रहा है, सब मैचिंग हो गए। की शादी आप तो बता दो, मेरी बहन की और किसकी? हाँ, तो अभी उपटन आ गया दुल्हन को लगने के लिए। शुरुआत कर रही हूँ उपटन की, तो उसके बाद फिर जो ना सारे लगाएंगे। शुरुआत हुई है आंटी से, उपटन की है आंटी। शुरुआत कर रही है, नसीब बहुत प्यारे लग रहे हैं। आमीन तो आमीन। अल्लाह से कहे बे 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 औलाद भी होवे। हां, जो है ना हमारे यहां ये वाला रिवाज भी होता है कि दुल्हन के जो ना बालों में भी थोड़ा सा उपटन लगता है। अभी इसके बाद फिर सारे शुरुआत करेंगे, लगाते हैं अभी नहाना पड़ेगा। उपटन की आ जाओ, सब बारी बारी लगा। अम्मी देखो, अम्मी समझदार है, पहले पैसे निकाल रही है। हाँ, ये देखो ऐसे वीडियो बनाते हैं, फेस रिवील नहीं होगा, बाकी सब भी आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह करके अभी अम्मी के हाथों से। आमीन आमीन आमीन। दुल्हन की दादी आ गई, लगाए लगाए इधर। अब दुल्हन की दूसरी दादी भी आ जाए, दो दो दादियाँ। आमीन। अब कौसर आ गई, अब कौसर की बारी है लगाने की। साथ में दुआएं भी देती जाओ, अल्लाह नसीब प्यारे करे। हाँ आमीन। हम लगा, चल अच्छा बना। आपने लगा लिया उपटन? जरा सा कैमरा हटने की दे रहे हैं, यहाँ पर सबने लगा लिया। अम्मा लगाएगी, दूल्हे की अम्मा की यादें होनी चाहिए ना कैमरा पे, कि अम्मा की बारी है उपटन लगाने की। और सबसे बड़ा वाला नोट दिए, अब आप खुश हो, दुल्हन को तो ज्यादा मिल गए। ये लो, ये दूल्हे की अम्मा की तरफ से गिफ्ट है। बाल खोलने पड़ेंगे? हाँ। अच्छा, उपटन लगाना और फिर बाल खोलने ना, उपटन लगाकर फिर साथ में जो है ना ये चोटियां बनी होती हैं वो खोलनी होती है।
दूसरी भी खोल दें, दूसरी भी। अच्छा ये फ्रूट आ गए हैं। अच्छा ये दुल्हन के हैं, ये दुल्हन का गिफ्ट है। ये लड़के की तरफ से है ना, लड़के की तरफ से। तो लड़के की तरफ से ये मिठाई का डब्बा और ये फ्रूट की बड़ी सी टोकरी। बारात आने से पहले सारे खत्म करके आना है। हमारे रसम है उपटन लगते हैं, उपटन के बाद दुल्हन को जो है ना इस तरीके से फ्रूट और कुछ मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, ये वाले फ्रूट होते हैं और मिठाई का डब्बा भी होता है साथ। चलो अम्मी की तरफ से खा लें, खा लें। अरे ये वाला सीन तो बहुत अच्छा था, अम्मी ने सबको मिठाई खिलानी। चलो माशाल्लाह, दुल्हन का पेट आज भर जाएगा मिठाइयां खा खा के। हमारी दुल्हन इतना वजन कैसे उठा के बैठेगी, इतनी देर थक जाएगी। अब बस टोकरा उठा लो। अभी शुक्र है जो है ना लाइट आ गई और सारी बारात कुछ इस तरीके से बैठी है। देखो ऐसे हाथ करके दिखा देते हैं। अभी म्यूजिक चल रहा है, ढोल वाला चला गया, बीच में दुल्हन को बिठाया हुआ है, यहाँ पे सब डांस करेंगे। लाइट आई है तो आप भी लौट आए हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हूँ। कैसी लग रही है दुल्हन? थोड़ा सा हंस के, कितनी प्यारी लग रही है ना शायद भाई? खेल के बड़ी अच्छी लगती है। चलो ये हमारी आज की तैयारी थी। अभी बारात जो है ना सब जा चुके हैं, उस टाइम लाइट नहीं थी, हमने तैयारी भी नहीं दिखाई। अम्मी ने इतने प्यारे झुमके पहने थे, मैंने वो भी निकाल दिया। बारात जा चुकी है, दुल्हन को भी अपने घर में बिठाया है और अभी जो ना मैं अलग अपने हस्बैंड को बुला के पूछ रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। कब से इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे इधर। मैं तैयार होती हूँ इतना, देखो मैं बता मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे अकेले में पूछना था आपसे। मेरी तरफ देखो कैसा लग रहा है। सिंह बात करो, बताओ ना कैसी लग रही हूँ सच में? सूट अच्छा सिलाई करके दिया ना, बहुत अच्छा। और मेरी YouTube फैमिली भी मुझे बताएगी कि आज मैंने इतना, पता है जब बारात आ गई उस टाइम मैं कपड़े चेंज करके जल्दी जल्दी मैंने मेकअप किया था। आज मैंने दो व्लॉग अपलोड किए थे ना, कल वाले वीडियो भी अपलोड करने होते हैं, साथ में उस टाइम एडिट कर रही थी और भी बहुत सारे यहाँ पर काम थे जो कि अधूरे ऐसे पड़े थे। जो जैसे मार्केट से आए तो बारात थोड़े बहुत बंदे जो है वो आके बैठ, हाँ थोड़े बहुत आकर उस टाइम बैठ गए और फिर कुछ चीजें कम थी, वो सारी चीजें इनका पूरा कराते, सब देखते भी, सब कुछ हमें भी देखना पड़ रहा है, लड़की की साइड से भी, लड़की की साइड से भी क्या कंप्लीट है क्या नहीं, इधर से पूछ के वहां, मतलब एक दूसरे को पैगाम, हम बीच में हम है पैगाम पहुंचाने वाले। दुल्हन वाले बोलते हैं और दूल्हे वालों को बताओ कि ये चीजें कम है, ये चीज कराओ कंप्लीट, वो चीज कंप्लीट कराओ। दूल्हे वाले बोलते हैं दुल्हन को ये बोल के आओ, ये सारी ये काम करें वो कराएं, तो बस इसी चक्कर में ना इधर की उधर उधर की उधर, मतलब सारे काम डन कराते कराते व्लॉग एडिट करना था, उसके बाद शाम को मैं एंड टाइम पर तैयार हुई हूँ। ये तो खैर चले गए तो उस टाइम अब्बू को लेकर, आप जब आए तब मैं उस टाइम तो अच्छा खासा फंक्शन हो चुका था। बताने में कैसी लग रही, कैमरे को छोड़ दो मत सोचो, कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा। अच्छी लग रही हूँ ना, ये कलर भी मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर ठीक है, बस यहाँ पर ये यह हुआ है कि ना लाइट चली गई थी तो अच्छे से व्लॉग पता नहीं बना नहीं बना, ये तो एडिट करूंगी पता चलेगा। इसके अलावा अगर ये दिन में होता ना ये सारा फंक्शन तो उसमें ये था, देखो भाग कैसे रहे, जाओ जाओ ठीक है जाओ आप। तो दिन में अगर ये फंक्शन होता ना पिक्चर भी अच्छी आती, पिक्चर भी अच्छी नहीं आई क्योंकि बाहर हरियाली में और जमीनों में ये होता है कि ना फिर बहुत अच्छा लगता है। आज देखो मैंने बाल भी जो है ना साइड पर कर दिया था। अभी जो है ना मैं सबसे पहले तो ये वाले जूते निकालती हूँ, जूते भी मैंने दूसरी बार पहने हैं, आयत की बर्थडे पे पहना था या फिर आज पहने, इसके साथ देखो मैच भी हो गया। और इतना जल्दी मैं ना चूड़ियां, मैंने सिर्फ ये चार चूड़ियां पहनी है। अभी फातिमा जो है ना हम सबके लिए चाय बना कर आई है, तो अभी सब बैठे हैं यहाँ पर अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं सब। कोई कोई अपने रूम में चला गया,
अभी कपड़े भी सब चेंज करके आ गए, हमने अभी तक अपने कपड़े नहीं चेंज किए। आज आप खुश है, आज मायो मेहंदी का फंक्शन हो गया, बहुत ज्यादा खुश है, खुशी में चाय पिए के मायो मेहंदी का फंक्शन। आज तो दूल्हे के भाई ने भी बहुत ढोल पे डांस किए, बांटी जा रही है जितनी भी पीनी है पी लो। किसके पैसे हैं ये? आपके पैसे हैं। वीडियो इतना पैसे कहाँ से आ गए? वीडियो पे रिकॉर्ड हो गया। ऐसे बना बांध रहता है जैसे खुद बना के बैठा। हाँ, मैंने तो बनाई है ये, कहाँ से बना के डिश में सजा के भी कैसे देखो तो सही वकार। हाँ तो भी सामने बिठा। माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह रिकॉर्ड तो बनने चाहिए ना, पहले तो एक थी ना अब फिर दो मिले रिकॉर्ड, इसको इसकी पिटाई करने के लिए रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए, तोड़ते बनाते भी खुद तोड़ते भी खुद ऐसा होना चाहिए। अभी पहले एक थी ना, एक की चलो इतनी पावर नहीं थी, अब दो मिल गई है, अब दोनों पूछेंगी, अब तीसरी करेगा तो। करते करते यहाँ पे देखे मेरे हस्बैंड को, इधर ही नींद आ रही है, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही कानों में, ऐसे ही सो रहे हैं। अब जाएं अपनी जगह पर सो। चलो इतनी प्यारी मेहंदी लगवा कर आई, इधर आ गया, देखिए ये ऐसे खेलते हैं ना, दिखते नहीं, और मेहंदी इतनी प्यारी लगवा कर आई है। शुरू है बस, कल सारे फंक्शन ही फंक्शन होंगे। उठ जाओ, ऐसे गिर जाओगे नीचे, पीछे नीचे गिरे होंगे, अपनी जगह पे चले जाओ ना। तो सारे मेहमान आस्ता आस्ता जाते जाते, फिर उसके बाद चाची भी आ गई थी, बहुत सारी देर इनके साथ हंसी मजाक हुए, बहुत बातें हुई हैं। तकरीबन अभी रात के एक बज गए, बातें करते करते सब अपनी अपनी जगहों पर चले गए सोने के लिए। बस यहाँ पर अन्नू बैठी हुई है, तो चाची अभी जा रही है। आज आपने ना सबको हंसाया, और बहुत आपकी वजह से ना एक सबके फेस पे भी एक स्माइल आई है। हाँ चाची रौनक लगा देती है वाकई में, हाँ शो लगा दिए पूरे हमारी शादी में। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों का। तब चले गए, अभी हम सोते हैं वहाँ पर। अभी तैयबा सो गई है, तो तैयबा को उठ रही है, तैयबा के साथ ये इसको सुला देते हैं, फिर चारपाइयां पूरी नहीं होंगी। और तैयबा एक साथ सो जाए, अनु और फातिमा तुम दोनों एक साथ सो जाओ, फिर ये बीच वाली चारपाई मैं ले लेती हूँ। देखो वहाँ जाते तक भी बातें करेंगे, और मैं अपना ड्रेस चेंज करती हूँ और सोते हैं बस। अब देखो पूरी यहाँ पर सारी रौनक लगी थी, अभी सब के सब सोने के लिए चले गए। और आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। आज मायो मेहंदी का फाइनल हो गया, और ज्यादा लाइटिंग नहीं थी, अब तो एडिटिंग करूंगी, पता चलेगा कि मायो मेहंदी का फंक्शन आपने कैसे देखा, किस तरह का था। अगर ये लाइटिंग में होता या थोड़ा सा दिन की रोशनी होती ना, मतलब 5-4 बजे के करीब अगर ये फंक्शन होता ना, तो बहुत अच्छे से व्लॉग भी बनता। और शहर में शादियां होती ना रात में बहुत अच्छी लगती हैं, अब गांव में इतना ज्यादा लाइटिंग नहीं होती। कल मेन फंक्शन अच्छा फंक्शन करेंगे, और बोल भी रहे थे कल लाइटिंग बढ़ाएंगे। तो अभी खैर एक बज गया रात को, ढेर सारी बातें की हैं सब यहाँ पर, रिलेटिव इतना सालों बाद हर कोई एक दूसरे को मिल रहा है, जैसे अम्मी इतना सालों बाद आई हुई है, तो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबके बीच में। इतना आज हम हंसे, इतनी बातें हुई बहुत ज्यादा, और सब बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं बातें करते करते। सबको वही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी वही नींद आ रही थी। खैर अभी सब सोने चले गए अपने अपने रूम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। आज तो इतना जल्दी में बस ये ड्रेस पहना, ना कोई ज्वेलरी कुछ भी नहीं। कल इंशाल्लाह प्रॉपर अच्छे से तैयार होंगे, साथ में ज्वेलरी भी पहनूंगी सब कुछ, और कल की बातें कल करेंगे। व्लॉग अच्छा लगा तो बस लाइक कर देना। अभी कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।